आईपीएल में मेगा ऑक्शन में इस घातक के ऑलराउंडर पर लगाएगी दांव। सीएसके धोनी को जडेजा से ज्यादा पसंद है यह खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के एक वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2022 के शुरू होने से पहले मेगा ऑक्शन होगा, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ियों पर टीम करोड़ों रुपए खर्च करेगी, अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेगी। अगले सीजन सभी टीमें पूरी तरह से बदलने वाली है। इसके पीछे कारण यह है कि आईपीएल में अगले साल से 8 की जगह 10 टीमें होने वाली है और ऑक्शन से पहले हर एक पुरानी टीम सिर्फ 4 खिलाड़ी पुराने ही रिटेन कर पाएगी। ऐसे में सभी फैंस की नजरें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाले सीएसके पर जरूर होगी। आईपीएल मेगा ऑक्शन में अगले साल होने वाले ऐसे में इस बात पर सभी की नजरें होंगी कि धोनी की सीएसके किन खिलाड़ियों पर दांव लगाएगी। खासकर सीएसके की नजरें स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपने साथ शामिल करने पर होंगी। बता दें कि हर साल मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले हार्दिक को अगले साल ड्रॉप किया जा सकता है। ऐसे में हार्दिक को सीएसके अपने साथ शामिल करना चाहेगी। हार्दिक पांड्या धोनी के भी बेहद खास खिलाड़ियों में से एक है। हार्दिक ने धोनी की कप्तानी में ही भारत की टीम में डेब्यू किया था। हार्दिक तभी से धोनी के काफी करीबी खिलाड़ी में से एक है। T20 वर्ल्ड कप में ये खबर सामने आई थी कि हार्दिक के सिलेक्शन में धोनी का एक बड़ा हाथ है, नहीं तो BCCI ने उन्हें चोट से पूरी तरह ठीक होने के लिए वापस घर भेज रहे थे। धोनी को वैसे भी CSK में अपने खास खिलाड़ियों के साथ खेलना पसंद है। हार्दिक मुंबई इंडियंस में रिटेन किए जाने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि रिटेंशन की रेस में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कोरोन पोलार्ड, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव काफी आगे चल रहे हैं। सूत्रों से यह बात साफ हो रही है कि हार्दिक को अगले साल ड्रॉप किया जा सकता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है पिछले कुछ समय से उनकी खराब फॉर्म। ऐसे में बड़ी बड़ी टीमें स्टार खिलाड़ी को अपने साथ शामिल करने की जोर लगाएंगी। हार्दिक पांड्या ने IPL इतिहास में 92 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27.33 की औसत से और 153.91 की स्ट्राइक रेट से 1476 रन बनाए। इस दौरान हार्दिक ने 4 अर्धशतक भी ठोके हैं। उनका सर्वाधिक निजी स्कोर 91 रहा। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 31.26 की औसत से और 9.06 की इकोनॉमी रेट से 42 विकेट हासिल किए हैं। तो दोस्तों, आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।